सरदार प्रधान जी को कि वो आए और प्रेरणा बोलो गुरु जगदेश्वर भगवान की प्रेरणा महिला क्लस्टर ग्रुप को सम्मानित सरजय स्वामी राजनाथ जी महाराज हमारे उप प्रधान जी राजेंद्र जी भाटिया सरपंच साहब इन्हें को सम्मानित करेंगे। देखिए महिला का धन्यवाद एक बार बताने के लिए जोर महिलाओं को जोर से 5100 रुपए का इन्होंने दान 2 साल में दान किया इनका हृदय की गहराई से धन्यवाद श्री कृष्ण गौशाला कमेटी की तरफ से पूरे गांव की तरफ से बंद थोड़ा बोलो गुरु जगदेश्वर भगवान की बोलो गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इनका श्री कृष्ण गौशाला पड़ोप की पूरी कमेटी व पूरे गांव की तरफ से प्रभु माता की सेवा व रक्षा हो। आइए बाहर से एक भजन चुके धनु मास में 3 बिंदु है सज्जनों। पहला बिंदु गौ मां की सेवा, धनु मास में गौ मां की सेवा करते करते या गौ मां का आदर करते करते सम्मान करते करते क्या क्या सुखी सुखी अनुभूति होती है। पहले खंड में ये लिखा होता है, दूसरा खंड है इसका उसमें गंगा की महिमा है, गंगा कितनी महान है, गंगा है तो भारत का इतिहास है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, हम कहते हैं ना अच्छा मानव बनो, कितना मां अच्छा मानव बनने के लिए 9 माताओं से गुजरना पड़ता है, 9 मां। और वो कौन कौन सी 9 मां है, उनका एक जो माता हमको जन्म देती है ना, जननी मां जो हमारी प्रसूता है, उस मां और बाप और संस्कार देने वाले महात्मा और रक्षा करने वाले परमात्मा जननी मां, उसका उपकार कभी नहीं उतार सकते हैं, कभी नहीं। पोडंबल सेठ कितने पूंजीपति थे, भारत के धनियों में से एक। एक दिन मां के पास आए, मां हाँ बेटा तू हमेशा कहती है ना कि मां कर्म उतार नहीं सकता, ए मां आज बोल तुझे कितना धन चाहिए, सोना चांदी हीरे पुखराज मानी चाहिए मांग ले, आज के बाद कभी नहीं कहना कि मां कर्म उतर नहीं सकता। बेटा आप हमारा ऋण उतारना चाहते हैं, सुनो हम चाहते हैं आज तुम हमारे पास विश्राम करो, हमारे शयन कक्ष में आज सो जाओ। हाँ मां क्यों नहीं, और मां ऐसे बेड पर सो गई। और टोडरमल ने कहा एक ही दिन की तो बात है, और जैसे रात को 10 बजे मां ने कहा टोडरमल हाँ हाँ मां जी बेटा प्यास लगी है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कंठ सूख रहा है, पानी मिलेगा, हाँ मां क्यों नहीं। सज्जनों ऐसे लोटा लिया बाहर गया पानी भर कर आया, मां लो ये पानी लो, मां ने एक घूंट पानी पिया, मानो हाथ से लोटा छूट गया हो, सारे में पानी
उसका असर भी गया। माने देखा असोजी रात्रि को 12:30 बजे आवाज लगाई, टोडल मल क्या है मां, सोने दो, मुझे नींद आ रही है। बेटा मुझे प्यास लगी है, अभी तो पानी पिलाया था ना, फिर पानी। भाषा बदल गई, सोच बदल गई, चिंतन बदल गया, भाव बदल गए। क्या मां, पानी पानी ला, लोटा लेकर आता हूं। लोटा लेकर गया, ले पानी, और मां ने फिर एक दो घूंट पानी पिया, फिर लोशन छूट गया। अब उसका बिस्तर पूरी तरह गीला हो चुका था, उसको नींद नहीं आ रही थी, सारा बिस्तर गीला हो चुका था, सारा बिस्तर गीला हो चुका था। लेकिन आप तो जानते हैं, भूख न देखे गीला भात और बुरी न देखे टूटी खाट, गांव के लोग कहते हैं। हल्की हल्की नींद आ रही थी, मां ने फिर जगा दिया, 4 बजे, बेटा मां क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं परेशान हूं, दुखी हूं, मैं तेरे पास क्या सो गया तूने तो। बेटा एक बात पूछू, ये जो तेरा बिस्तर गीला हुआ है ना बेटा, साफ पानी है। ये जो तेरा बिस्तर गीला हुआ है ना बेटा, साफ पानी है, पीने वाला पानी है। जानते हो पुत्र, तुम मां के रूप में आए हो। बेटा एक बात कहना चाहती हूं तुमसे, मैंने आज तुम्हारा बिस्तर साफ जल से गीला कर दिया, तुम पूरी रात सो नहीं पाए हो। मैंने 2 बार का उठा दिया, तुम परेशान हो गए हो। लेकिन बेटा मुझ मां से पूछो, तू रात को 10 बजे उठता था, तुझे भूख लगती थी तो आंचल में छिपा कर दूध पिलाती थी, और बेटा मेरा ही दूध पान करके तू सो जाता था, फिर रात को उस बिस्तर को गीला कर देता था। कितनी बार तूने अपने मन मंत्र से बिस्तर गीला किया जानते हो पुत्र, मैं गीले में सो जाती थी, तुझे सूखे में सुला देती थी। लेकिन तू इतना शैतान था, तू उधर भी मल मंत्र कर देता था, जानते हो, इधर भी गीला, और तू रोता था, मैं उठाकर तुझे अपने सीने पे सुला लेती थी। मैंने तुझसे कभी कहा आज तक कि तूने मेरा बिस्तर गीला किया? मैंने कभी कहा तुझे, चल दुनिया से, चूंकि मैं मां हूं, करुणा से भरी हूं, मैं दया से भरी हूं। टोडल बल की आंखों में आंसू आ गए, मां थोड़े हीरे मोती तो क्या, पूरी दुनिया की संपदा भी अगर मां के चरणों में डाल दे तो भी उतर नहीं सकता, वो जरूरी मां होगी। वो मां है, एक तो वो मां, प्रातः काल उठकर मां को प्रणाम करो, कभी कभी मां के पास बैठ कर कहो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ मां। बैठा करो बेटा, माइक कथा खराब कर दी, मां की ममता को समझो, मां की ईश्वरी को समझो। तो एक तो अपनी जननी मां होती है जो मां का आदर करता है, नंबर 2 ये भारत मां है। मैं सच आत्मा से कहता हूं, हम लोग तो गौशालों में कथा करते हैं, आप कथा कराते हो, लेकिन जो भारत मां कितनी दूर अपनी मां को छोड़कर, अपने पूज्य पिताजी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, छोटी सी बेटी को और बेटे को छोड़कर
आज भी सीमा पर हंसते खुशते शहीद हो जाते हैं वो भारत माता के सपूत, शहीद हो जाते हैं इस भारत माता के लिए। ऐसे शहीद को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे शहीदों को मैं नतमस्तक होता हूं जो भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। उन माताओं को प्रणाम जो ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं, ऐसे माता पिता को प्रणाम। हमें गर्व है अपनी भारत की सेना पर, हमें स्वाभिमान है अपनी भारत की ध्वज के ऊपर। कई बार तो कथा करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जब कभी भारतीय सैनिकों के लिए मंचन होता है। इसलिए सज्जनों, चूंकि घटना कोई पुरानी हो जाए तो फिर भी मन मान लेता है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी घटना और देश दुख के सागर में डूब रहा हो, अब तब कोई कथा ऐसी फौजियों के प्रति आ जाए, सैनिकों के प्रति आ जाए, तो दिल भर आता है। मन दुख के सागर में डूबने लगता है, लेकिन वो भारत माता की रक्षा के लिए आज अपने प्राणों को उछाल या प्राणों की चिंता न करके देश की रक्षा में लगे हुए हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो एक जननी माता और दूसरी हमारी ये भारत माता, और तीसरी माता नाम लू तो मेरी धरती माता। वाह, प्रातःकाल उठते हैं और सुबह से शाम तक कितनी ठोकरें धरती माँ को मारते हैं, लेकिन धरती माँ फिर भी हमें देती है। वाह, ऐसे धरती माँ को प्रातःकाल उठते ही नमस्कार किया करो। धरती माँ तुझे नमस्कार, विष्णु पत्नी नमस्तु पिनु, ये विष्णु की पत्नी है धरती माँ, इनको नमस्कार किया करो। तो एक भारत माँ, अब फिर मेरी चौथी ये धरती माता, ये पृथ्वी माता, और फिर कहूं तो मुझे प्रसन्नता होती है मेरी गंगा माता। वो गंगा माता जो मेरे लिए पूरी दुनिया के लिए पूजनीय है। ऐसे गंगा माँ को प्रणाम, कभी उठाकर लगता शरीर में कोई दुख भी हो तो दो बूंद गंगा का जल बाल्टी में डाल के नहा लिया करो, आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, कभी कोई रोग नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, शरीर को दिव्य बनाती है। अगर गंगा जल भी ना मिले तो बाल्टी भर लो पानी से और दो बूंद मेरे गौ का गौमूत्र डाल लो, उसमें भी गंगा का निवास होता है, तभी काया चंचल जैसी हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी। ऐसी गंगा माता, गंगा का नाम बोलो, लेकिन वो नहीं रहेंगे, कल को सेटिंग कर लेना, मशीन होती है किसी के हाथ में नहीं होती है। हाँ, कोई बात नहीं। और गंगा का नाम अनमोल, बोलो हर हर गंगे, गंगा का नाम। नाराज हो लगता माइक नाराज है, आजा मेरी आवाज को थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, बाकी भजन कल सुनेंगे, आज तो आवाज बढ़वाओ इसकी। जो माइक हो तो निकाल दो उसको, जो बोलता हो बस एक खोल दो मेरा माइक, बाकी सब बंद कर दो, भले ही चले जाएगा। बोलो बोलो, अब नहीं बोलूंगा, बोलते फिर कोई कोई करेगा। तो
चंदा भी बोले गंगे, सूरज भी बोले गंगे, चंदा भी बोले गंगे, सूरज भी बोले गंगे, चंद्रा की धुंधल से बोलो गौ माता की जय। बोलो गौ माता की। तो एक गंगा माता और तीसरी प्रार्थना करो आगे, तो मेरी गौ माता माने गंगा माता सबको पवित्र करती है, और आगे और पढ़ो तो छठी माता गीता माता, गीता नाद कविता नाम, जो गीता नाद है भगवान के श्री मुख से निकला हुआ। एक बुढ़िया माता, एक तो माता है, बात मत फोटो बात मत अभी कथा कथा दूंगा जो ऐसे ही मेरी माँ ऐसे इस माँ में मेरी मामा कोई अंतर तो नहीं है क्यों भैया। बोलो गौ माता की। तो गीता माता और सच में मैं सातवा नाम लू तो गायत्री माता, कभी उठकर गायत्री महामंत्र का पाठ किया करो, क्या बात है। आज नहीं गायत्री महिमा, कल गाऊंगा तो मैं गाते ही वो मुहरिक बोल पता बोल मिठा है माइक महाराज है। बोलो गौ माता की। और सज्जनों और भाव से कहूं तो गुरु पूर्णिमा आती है, माने गुरु पूर्णिमा का कथा में गुरु पूर्ण माँ है। और एक और कहूं तो अंतर आत्मा, कभी अंतर आत्मा उसका ध्यान करा कर, और वो तो सबसे उत्तम जो है वो है परमात्मा, वो भी वहां है जो इन नौ माताओं के मध्य से निकलता है, वो सच्चा मानव, वो पक्का नौ माताओं को मानने वाला पक्का मानव कहलाता है। ऐसी मानवता का पाठ पढ़ाने वाली ये नौ माताएं मानव की व्याख्या करती हैं, मानव का श्रृंगार करती हैं, मानवता को सुंदर बनाती हैं। इसलिए सज्जनों आज हम गौ महिमा को सुंदर ही क्या सुना हुआ, आओ एक भजन सुनते हैं, देखते हैं स्वामी जी सुखते मुझसे माइक नाराज नहीं मुझसे खाली बापा का जी ओ एक बार आई जो गुरुजी बार बार आई जो Thank you.
सतगुरु भारी गंगा वो सतगुरु भारी गंगा वो सतगुरु भारी गंगा वो सतगुरु भारी गंगा सतगुरु भारी गंगा वो सतगुरु भारी गंगा वो सतगुरु भारी गंगा वो सतगुरु भारी गंगा ये गंगा भाई हो Oh,
बोलो ब्रजम्बेश्वर भगवान की जय। आज के कुछ दानदातों का दान राशि गौशाला में 1,00,000 रुपए श्री शेठ सुनील जी गोयल सनौ श्री तलवंडी रमेश जी गोयल तलवंडी रुपका हाल में बंगलोर रह रहे हैं। उन्होंने 1,00,000 रुपए दान किया है और हर साल 11,000 रुपए का सदस्य बने हैं सेठ जी अनिल जी गोयल जो बंगलोर से है। सिर्फ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं वो गौशाला की फेसबुक देख देख के इन बच्चों का सेवा देख के गौ माता की इतनी सेवा दे के वो सेठ फेसबुक पर जुड़े हैं। उन सेठ का मैं हृदय की गहराई से श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल में पूरे गांव की तरफ से हार्दिक धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम जय श्री राम। 11,000 रुपए श्री सुशील कुमार जी खिंचड़ सनो श्री मोदीराम जी खिंचड़ जय साहब जो बिजली बोर्ड में उन्होंने 11,000 रुपए का दान दिया। तालियों की कंजूसी मत करें, तालियां पूरी जोर से ताली वीरों के लिए। दान की महिमा बहुत है, मैं सुखते मुनि जी से आपको दान की साखी सुनवाऊंगा उस टाइम देखना दान की कितनी महिमा। 1,100 रुपए कृष्ण जी खिलेरी खाराखेड़ी से 1,100 रुपए रोहतास जी सरपंच पूर्व सरपंच चिंदर से 1,100 रुपए पुत्रा जी एतरा चिंदर से 500 रुपए श्यामलाल सरोव श्री भागीराम जी जांगू 1,000 रुपए श्री बालाजी विद्या मंदिर स्कूल बड़ोपल से 500 रुपए श्यामलाल सरोव अमन कुमार जी खोड 2,100 रुपए श्री तुलसीराम जी कड़वासरा 100 रुपए श्री राजेश जी गोदारा कादलहेड़ी 5,000 रुपए तुलसीराम जी पूनिया शालम खेड़ा से जो हमारे भगत जी शालम खेड़ा आगे घर हमारी बुआ है बुआ जी की बिल्सन नहीं हर महीने की है 2-3 महीने तुलसीराम जी लिया देते हैं आने पूछू भाई जी की रसीद काटो क्या बुआ की काटो हर महीने की तनखा है जो बुआ की है वह सारी गौशाला में है। बहुत ही परिवार को हार्दिक धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन जय श्री राम जय श्री कृष्ण। इक्यावन सौ रुपए श्री सोनलाल जी सिहाग 500 रुपए श्री हरद्वारी लाल जी धुरकिया लालवाल से 2,100 रुपए
हवा सिंह सरोप श्री गोपी राम जी करवासरा, 500 रुपए मनीष सरोप श्री रामरख बोडिया खेड़ा से जन्मदिन पर शाक साहब है, इन्होंने अपने जन्मदिन पर 500 रुपए का दान, 365 रुपए माया देवी वाइफ और सुभाष जी पूनिया आजीवन है ये हमारे सदस्य, इनका हार्दिक अभिनंदन, 500 रुपए सुभाष सरोप रिश्वाल जी थापन, 500 रुपए गुप्तान, 2100 रुपए दलीप सिंह जी थालोड़, 5000 रुपए डॉक्टर राधा कृष्ण जी सोनी बड़ोपलिया जो आज जयपुर में रह रहे हैं, उन्होंने 5100 रुपए गुवाए हैं यहाँ अपने श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल को, अपने गांव की बड़ोपल की फेसबुक पर देख के माध्यम से उन्होंने 5100 रुपए और 5100 रुपए प्रेरणा महिला कलेक्टर जो पहले आए थे उन्होंने सम्मान किया उनका 5100 रुपए, इन दानी वीरों का श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल की कमेटी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक धन्यवाद। आज वो लगभग 2 लाख रुपया सरपंच साहब गए चंद हो गया, 2 लाख के सरपंच साहब बहुत ही हरी कृपा है, अंदाजो ही बहुत जीता दिया लाख गुरु जी अंग रुके के ना गुरु जी की गौशाला है ऐ तो जे पीसा रहे थे आपका चरण टेक के तो ही बहुत है, मैं तो आई भगवान आगे गौशाला आपने केस बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, मेरे पैसे नहीं बोले 1 लाख रुपए स्वामी मेरे गुरुदेव स्वामी राजनंद जी महाराज उनका बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। स्वामी जी का और मेरा बहुत प्रणो बेचारो है बताओ ना भूखे में कभी धन्यवाद। लोग कहते हैं कि गौ मां के चरणों में रहने से ज्ञान बचता है, 4 साल पहले जगजीत जी मुझे बोलना जानते नहीं थे, धन्यवाद गौ मां की कृपा हो गई एक अच्छा संचालन करने माइक का मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है मेरे जगजीत जी और सारे गांव के लोग गौ मां की कृपा से इनका मान भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। जगदीश जी धन्यवाद, भाव गौ मां के प्रति बने इसलिए गौ महिमा को कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो आज इस कथा को लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कई लोग इस कथा को बाद में सुनते हैं तो वो भी गौ मां की सेवा के लिए प्रेरणा लेते हैं, तो हमारी कथाओं से प्रेरणा मिले लोगों में भाव जागे, देखो भाव है तो सब कुछ है, भाव का भूखा हो जग भाव ही एक सार है, भाव जो मिल जाए जग में भव से बेड़ा पार है। अच्छा देखो तो ऐसा शब्द मैं आपको बताता हूं, ये जो भाव ताप करने में ना ये माता बहुत आगे होती है, ये दुकानदार तक दुकान पर पहुंच जाए अगर दुकानदार कहेगा कि वस्तु 100 रुपए की है 50 रुपए नहीं, आदमी नहीं करता ऐसे, आदमी तो दुकानदार 100 बताएगा तो ये 90 तो दे के ही आएगी, लेकिन माता जी 50 से 55 को कर सकती है, 100 से 60 नहीं कर सकते, इनको बड़ा अनुभव होता है। अभी एक आदमी बाजार जा रहा था, वो उसने अपनी पत्नी से कहा बाजार जा रहा हूं कुछ मंगाना है, पत्नी ने कहा आपको सौदा तो करना आता नहीं, एक काम करो मुझे दुकान में जा नहीं सकती आज बाजार, तो दुकानदार जो बताए ना उसका आधा बताना, बिल्कुल अब बाजार में चलेगा छाता भी बताए, बरसात आ रही थी कुछ दिनों के बाद दुकानदार के पास गया, सेठ जी ये छाता कितने का है, बोले 20 रुपए का, बहुत पुरानी बात है, बोले 20 रुपए का, उस व्यक्ति ने कहा बस लेने हैं, तो घर पड़ के गया था आधा बताना, उसने कहा कि 20 का छाता है, उसने कहा बस लेने हैं, दुकानदार ने सोचा कि बड़ा काबिल आदमी बिल्कुल सही रेट बता रहा, बोले 10 लेने, उसने कहा चलो आए हो सुबह सुबह की बात है दुकान अभी खोली है तो 16 रुपए, 16 का छाता आपका, बोले 8 लेने, वो तो भी पुड़ के गया,
उसने सोचा चलो एक बात करते हैं, मैं भी सुबह सुबह आया हूँ, अभी दुकान खोली है, जो आपने पहले कहा था 10 रुपए उसी में, बोले 5 ले ले। अब दुकानदार को पीस आ गए, बोले खरीद चाहिए, बोले दो दे कर, दो दे लूं। जब वो देखते एक छाते का भाव नहीं कर सका छाया के लिए, तो भगवान बिना भाव के कहां मिलते हैं, और कथा सबका गौ मां के प्रति भाव रखते हैं, इसलिए भाव है तो सब कुछ है, और भाव ही नहीं आता करना तो फिर दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे। ये गौ कथा आपको भाव बन करते हैं, इसलिए इन कथाओं में मैं भावपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, ताकि गौ मां के प्रति हमारी भावना, हमारे भाव और अधिक श्रेष्ठ हो, हमारे भाव और सुंदर बने, इसलिए भावपूर्ण कथा मैं आपको हमेशा अपनी कथाओं में सुनाता हूँ गौ मां के प्रति। तो सज्जनों, वैसे तो भगवान की कथा है बड़े भाग पाई सत्संग का, बिना ही प्रयास हो ही भगवान का कथा बड़े प्रयासों से मिलती है, बड़े भाग से मिलती है, बुरा मत मनाना। ये नहीं लिखा शास्त्रों में कि बड़े भाग कोठी बनवाई बन, बड़े भाग जमीन खटवाई बन, ये जमीन संपदा संपत्ति होना ये तुम्हारा भाग्य है, सौभाग्य है, परम भाग्य है, लेकिन बड़ा भाग्य नहीं है। बड़े भाग पाइव संसंग है, आप अपने जीवन का सबसे अहम कार्य करने हेतु गौशाला में पधारे हैं। यही कथा अपने घर सुनो तो एक कथा सुनने का पुण्य मिलता है, लेकिन वही पुण्य अगर गौशाला में हो तो 100 गुना पुण्य मिलता है, मन एक कथा सुनो तो 100 गुना फल हमको प्राप्त होता है। और एक बात आपसे बताऊं, कथा की कितनी महिमा है, जब भगवान श्री राम अपने लोक को गमन करने लगे तो भगवान सरयू में विराजमान थे, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं सगली पूरी समीर सिधारिया, जब भगवान अयोध्या से स्वलोक गमन कर रहे थे तो कितने लोग भगवान के साथ चले गए, लेकिन भगवान अभी रुके हुए हैं, आवाज लगा सब आ जाओ, सज्जनों लोग आने लगे, हनुमान जी नहीं है अभी तक, मेरे राम जी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी ने कहा हनुमान राम जी बुला रहे हैं, हनुमान जी ने उठाई कथा सरयू के तट पर पहुंचे, कहिए प्रभु हनुमान चलोगे नहीं देर हो रही है, हनुमान जी ने कहा क्यों, अच्छा प्रभु एक बात बताओ आपके साकेत लोक में क्या क्या मिलता है, राम जी ने कहा जितने भी ऋषि मुनि तप करके साधना करके सेवक पहला ध्रुव जैसे सभी मिलते हैं, और मेरा वैकुंठ जो है और मैं जो हूं वहां पर, हनुमान जी ने कहा और क्या मिलता है, राम जी ने कहा सच बताओ तो पूछना क्या चाहते हो, उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताओ वहां सत्संग मिलता है, कथा मिलती है ना, और आप कबीर जी को देखिए बाबा जीवन में कबीर 3 बार रोए, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, जब जन्म लिया था तो हम रोए थे जग हंसा था, और अब हम जाएं 3 दिन पहले 40 शहीद हो गए, पूरा संसार रोया उनके लिए, पूरा भारत रोया उनके लिए, नर नारी रोए उनके लिए, और भारतीय सभी भारतवासियों ने कह दिया वो 40 परिवार के साथ पूरा भारत खड़ा है, वो अकेले नहीं है, हम सब उनके दुख में शामिल हैं, वो ऐसी गलती करके चले गए, बहुत हंसते हम रोए उनकी याद में, सारे भारत के लोग रोए, आंखों में अश्रु आ गए। कबीर दूसरी बात कहता है, चलती चक्की देखकर दिया कबीर आ रोए, और 2 पात्र के बीच में साबुत बचा तो रोए, तीसरी बार कब रोए, आया भुला बाराम का
या राम बुलावा भेजिया किया कबीरा रोए, अरे जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। जब भगवान का बुलावा आया तो कबीर जी इसलिए रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख भगवान के बैकुंठ में मिलता है उससे बढ़कर सुख भगवान की कथा में मिलता है। तो हम राम जी राम चरित्र सुन बे को रसिया, और राम लखन सीता मन, प्रभु मैं तो आपकी कथा का रसिया हूं, मुझे भोजन ना मिले, आहार ना मिले, कुछ ना मिले, आपकी कथा मिल जाए प्रभु, मैं एक कृपा करें प्रभु, आप चले जाओ मैं यहीं रहूंगा। राम जी को बड़ा दुख हुआ, हनुमान लोग मेरे धाम के जाने के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं, तुम जाने रहे हो, ए हनुमान बताओ तुम कब तक नहीं जाओगे। हनुमान जी ने ऐसा जवाब दिया, मेरे प्रभु अंदर से मुस्कुराए और बाहर से दुखी हो गए, कहो बताओ हनुमान तुम कब तक मेरे धाम में नहीं आओगे। हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रभु मेरे राम, जब तक दुनिया में कथा होती रहेगी आपके धाम में नहीं आऊंगा, जब कथा होती बंद हो जाएगी तो आपके धाम को आऊंगा। और ये कथा होनी बंद होनी नहीं है, और मेरे हनुमान जी संसार छोड़कर जाने वाले, ये निरंतर कथाएं भगवान के भक्तों को बांध के रखती है, प्रेम के बंधन में, मर्यादा के बंधन में, शिष्टाचार के बंधन में और भक्ति के बंधन में हम बंधे रहते हैं, तभी तो चले आते हैं दौड़े दौड़े। आज कथा का शुभारंभ अपनी पावन गौशाला में हुआ है, आज कथा का पहला दिन है। मैं सोच रहा था 2-4, 10-20 लोग आ जाएंगे, 50-60 माताएं आ जाएंगी, लेकिन मुझे तो लगा हमारा पंडाल तो आज ही भर गया, तो 3 दिन के बाद क्या होगा, और पीछे दीवार है। अपने बड़ोपल गांव में बड़ी आस्था है, अपना बड़ोपल गांव, चाहे धान का क्षेत्र हो, गौशाला की सेवा का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में बड़ोपल के लोग बढ़ जाते हैं वहां जय जयकार होने लगती है। और मैं तो कहता हूं अपनी गौशाला की सेवा को देखकर, अपने फेसबुक पर गौशाला की व्यवस्थाओं को देखकर लोग प्रभावित हुए, उन्होंने 1 लाख रुपया हमारी गौ माता को दिया, हृदय से धन्यवाद देते हैं, गौ माता को चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपने 1 लाख रुपए दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और गौ माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे गौ माता आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि, आपका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना उन्नति करे। आप मुझे देखो, मैं वो गरीब महात्मा जिसके ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते थे, स्कूल की फीस नहीं भर पाते थे कभी, आज गौ माँ की कृपा से जितना भी बन पाता है, किसी गौशाला से कुछ कभी लिया नहीं आज तक, जितना होता है पहले गौ माँ की सेवा में अर्पण करते हैं तब कथा करने के लिए बैठते हैं। इसलिए आज कथा का समय, चूंकि सुबह से माताएं बिचारी कलश यात्रा के लिए बैठी हुई थी तो सुबह से बैठी बैठी थक गई होंगी, इनको भी घर जाना है, और वैसे भी कथा का समय 12:30 मेरे ख्याल से है, 3 बज गए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आज तो कथा को यहाँ संपन्न करेंगे और ठीक कल 12 बजे से, और कथा का समय विलंब बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे 12:30 बजे नहीं, मैं कुछ पूछ रहा था, मैंने कहा आरती कर लो, अभी तो हो सकता कि 3:30 बज जाए, आज तो पहला दिन है, कथा विलंब से शुरू हुई है, मैं कि आज तो पहला दिन है कथा का, समय कथा का कब मिला हम लोगों को, 1 बजे कथा प्रारंभ हुई आज तो, 1 घंटा विलंब होगा, लेकिन ये तो पक्का है कि कथा तुम्हारी 3:30 और 4:45 रेली चलेगी। कथा का समय तो हम लोग हमेशा घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाकर बोलते हैं, और कौन सा चुके हमने कोई बंधे हुए तो है नहीं, कोई धन बटोरने आए नहीं है, ज्ञान बांटने आए हैं, तो फिर चिंता किस बात की करनी है, कोई भदभा तो नहीं कि कोई धन बटोरने आए, समय पूरा किया चल पड़े, हमें तो बांटना है,
एक घंटा में बटे, दो घंटे में, तीन घंटे में, जितना बटे, गौ माँ की सेवा का ज्ञान बांटना है, गौ माँ के प्रति आस्था का ज्ञान बांटना है, क्योंकि गौ माँ सबको जोड़ती है। तभी तो रावण ने कहा था, रावण ने कहा था, मेघनाथ सेनापति जिस नगरी में गौ और ब्राह्मण हो सब में आग लगा दो। क्यों? ब्राह्मण और गौ ये लोगों को जोड़ते हैं, ये लोगों में आस्था जगाते हैं, ये लोगों में श्रद्धा जगाते हैं। इसलिए हम भाग्यशाली नहीं, बड़े भाग पाई सत्संग बिना ही प्रयास होई भव गंगा, ये कथा बोल मुक्का है। जिस नौका पर बैठकर हम भवसागर से पार होते हैं, उस नौका में आज हम बैठ रहे हैं, सात दिवसीय ये धेनु मानस कथा, ये गौ माँ की पावन कथा। अब मैं क्या करूं, बीच में विधिक लग जाते हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से कि मैं केवल आपको दो टाइम दूंगा, एक ठीक 1:30 बजे, एक ठीक 3 बजे, उसके बीच में आप माइक पे नहीं आएंगे। जब देखो माइक पे खड़े हो रहे हो तो फिर मेरी कथा कब करूंगा? प्रधान जी ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपने ठीक 1:30 बजे टाइम दूंगा 15 मिनट का, फिर 3:15 बजे दूंगा, उसके बीच में नहीं आने दूंगा। जिन्होंने सम्मान पाने को सबसे लास्ट में आया था, बीच में वो तो बेचारी मानदाई थी, उनको जाना था, कई मेहमानों को जाना, जिनको सम्मान जल्दी होना हो, या तो वो ठीक 12:30 बजे पहुंच जाए या ठीक 3:30 बजे पहुंच जाए। अब जिन्होंने कथा सुननी है वो खास से 4 घंटे बैठे, क्योंकि मैं हमारे घर में केवल सम्मानित करता रहूंगा तो कल माताएं कह देंगे, पुरुष कह देंगे, कथा सुनना कथा तो सुनते नहीं मेरा, फिर भी मेरी शिकायत हो जाएगी। इसलिए मैं आज तो जगदीश जी की बात मान लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आज गंगानगर से आए हैं, उधर लिखमी सर से आए हैं, आज के लोग दूर दूर से, उनको दूर जाना भी है, तो मैं आज के लिए कथा को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। वो सम्मानित करेंगे और सम्मानित के बाद फिर भगवान की आरती होगी, आरती के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आप माने शास्त्र पाठ के लिए। फिर प्रसाद की व्यवस्था आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य द्वार पर होती है, लेकिन निवेदन करूं कथा का 5 नियम में भाव से सुन लें, अस्वाधा अक्रोधा अनिंदा अवैध और क्षमाशीलता। जिन लोगों को इन 7 दिन में संतों के द्वारा हुमायत करानी हो या भोजन करानी हो, उनसे विशेष निवेदन है अपने भोजन में वो लहसुन प्याज का उपयोग न करें। अगर संतों को भोजन कराना हो तो लहसुन प्याज का उपयोग भोजन में ना करें, अन्यथा हम लोग दुख से ही भोजन पा लेंगे। हमारे भोजन में हमने पीछे कुछ प्रारंभ भी किया था, सोचा खा के देखते हैं, लेकिन नहीं बचा तो क्या करें, कभी खाया नहीं, तो इसलिए लहसुन प्याज मुक्त आप भोजन कराएं जिनको कराना हो, ऐसा आपसे विनम्रता के साथ निवेदन रहेगा। अस्वादन आप भी अगर 7 दिनों तक आप बिना लहसुन प्याज का भोजन करें तो आपको बधाई देता हूँ, और वैसे तो मैं इसी भोजन के पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ। 3 प्रकार का भोजन है, राजसी भोजन, अतामसी भोजन और सात्विक भोजन। अच्छा भोजन की पहचान कैसे होती है? ये सात्विक भोजन है, ये राजसी भोजन है, ये तामसी भोजन है। अच्छा एक बात और बताऊं, अपने घर वालों को कैसे विचार करें, हमारे पति देवता सात्विक वृत्ति के हैं या राजसी वृत्ति के हैं या तामसी वृत्ति के हैं, कैसे पहचान करे अपने घर वालों की, कैसे पहचान करे अपने पति की, ये कौन सी वृत्ति के हैं, सात्विक वृत्ति के हैं या राजसी के हैं तामसी वृत्ति के हैं, वो मैं आज तो बताऊंगा नहीं, कल ये बात आपको बताऊंगा। लेकिन अस्वादा, दूसरी बात अक्रोधा, आप कभी अक्रोध न करें तो अच्छी बात है, लेकिन 7 दिन तक हाथ जोड़ के विनती है किसी पर क्रोध मत करना, किसी पर, क्योंकि एक क्रोध
और एक लोभ, इतने प्रेम, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये तीनों ही दुखदायी है, तीनों ही कष्ट देने वाले हैं। इस भाव से आप अक्रोध क्रोध ना करें। तीसरा क्रोध तो अनिंदा, मैं क्षमा चाहूंगा और मुझे हृदय की गहराई से आप माफ करेंगे। ना मैं किसी की निंदा सुनता हूं और ना किसी की करता हूं। वैसे भी चोरी निंदा झूठ बोलो बाद में कर दो, ये नियम है। चोरी निंदा झूठ और विवाद, इन चारों को एक श्रेणी में लिया गया है। और क्योंकि पानी वाणी ईंधन दूध इतना लीजिए, पानी घर घर में आरो लगे हैं, वाटर फिल्टर लगे हैं, कब गुरुदेव ने पानी, कब शास्त्रों में पानी छान कर पीने की बात कही गई थी। आज सब लोग पानी छान कर ग्रहण करते हैं, अति उत्तम है। पानी वाणी, वाणी को कैसे छानोगे, कौन सी छलनी में छानोगे, तो विचारों की छलनी में छानना है ना। सोच पहले सोचना, फिर बोलना और फिर बोलना, बिना सोचे नहीं बोलना। पहले सोचो उसको, विचारों की तुलना में उसको तोलो, मैं जो बोल रहा हूं सही है या गलत है, मुझे मेरी बात को समझने का प्रयास करता। हम अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर लेके जाते हैं तो वहां से ऑयल फिल्टर होकर आता है, पेट्रोल पंप में मशीन लगी है, वहां से ऑयल फिल्टर होकर आता है। जब गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी की टंकी पे ऑयल फिल्टर लगा है, छनकर उसमें जाता है। और भी एक बात कहूं, और टंकी से जब डीजल या पेट्रोल माने ऑयल इंजन की ओर बढ़ता है तो नोजल को फिर छनता है, और नोजल से आगे बढ़ता है तो प्लंजर में छनता है, और तब वो इंजन में जाता है, तब वो इंजन बढ़िया चलता है। आपको भी अपने घर का इंजन ठीक चलाना हो तो पानी का कोयला ठीक से डालना, बार बार छान कर बोलना, बार बार विचार कर बोलना, तुम्हारे घर का इंजन ठीक चलेगा। जो लोग बिना विचारे घर में बोलते हैं उन लोगों के घर में बोलने से इतना कलेश होता है, इतना कलेश होता है। आधे घरों में तो बोलने का झगड़ा है, इसने बोला क्यों, मैं कोई कम बाप का हूं, छोटे बाप का हूं, मैं कोई छोटे बाप की हूं, इसने क्यों बोल, मैं भी बोलू। तो बोलने बोलने से अगर दोनों ही पति पत्नी पानी को छान कर बोले, भाई भाई बहन सास बहू वाणी को समझ के बोले, तो कभी घर में कलह नहीं होगा। और मैं रोज कहता हूँ, हमारे ढोलक बेटी वाले हैं, मेरे ढोलक वाले हैं, ढोलक जी क्या बोलते हैं, तबला वादक, ये जब हाथ मारता है ना तो मैं इसकी तरफ को देखता रहता हूँ, कितनी जोर से हाथ मारता ढोलक में, और मुझे ऐसा मौका मिल जाए ना तो हुआ होता। लेकिन इसको तो पता है कि ढोलक कितने ऊंची थाप सहन करती है। सज्जनों ऐसे ही जैसे इसको पता ढोलक वादक को कि मेरी ढोलक कितनी ऊंची थाप सहन करती है, आपको भी तो पता है मेरी पत्नी कितनी ऊंची आवाज सहन कर सकती है, मेरे पति कितना ऊंचा बोलना सहन कर सकते हैं, मेरी बेटी मेरा बेटा कि मेरी सास मेरी बहू कितना ऊंचा बोल सकते हैं, उतना ही ऊंचा बोलना जितने वो सहन कर सकते हो। ज्यादा ऊंचा बोलकर घर का संगीत खराब मत कर लेना, लोगों ने ऊंचा बोल बोलकर घर का संगीत बिगाड़ दिया, घर का माहौल बिगाड़ दिया। और फिर कहते हैं महाराज घर में कलह होता है, उसका कारण है हमारा गलत बोलना, ओछा बोलना, क्रोध में आकर बोलना, निंदनीय भाषा बोलना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गौ मां की सेवा के साथ साथ कुछ विचार भी आपको दूंगा, उन विचारों को भाव से सुनोगे तो तुम्हारा जीवन धन्यता से भर जाएगा। तो अस्वादा अक्रोधा अनिंदा, किसी की निंदा मत करना। और हाँ, अवैधता, किसी से बैर भाव नहीं बांधना। गौ माता करुणा की साधन है, गौ माता दया की साधन है, ये सबको प्रेम का पाठ पढ़ाती है।
कि कभी गुस्सा करते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, केवल और केवल 84 लाख जीवन जुड़ी में आप अनुभव करके देखना, केवल इंसान हंस सकता है, बाकी कोई नहीं हंस सकता। आपको बाकी चीज प्रसन्न मुद्रा में दिख सकते हैं, लेकिन कोई हंस नहीं सकता, हंस केवल इंसान सकता है। बस एक प्रार्थना है गौ माँ के चरणों में बैठकर, हे इंसान 84 लाख जिया जुड़ी में विधाता ने तुझे हंसने का मौका दिया है, बस इतना काम करना कि कोई तेरे ऊपर नाराज है ऐसे काम कभी मत करना, कोई तेरे ऊपर हंसना ऐसे ऐसा काम मत करना, ऐसा गर्व ना हो लोग हमारे ऊपर हंसे। और एक बात बताऊ, कभी देखना 84 लाख दिया जुड़ी में जब जीप चल रही है तो नीचे चलते हैं और इंसान ऊपर मुड़ करके चलता है। कभी देखना कोई भी चीज नीचे देख के चलेगा, इंसान इंसान ऊंचा देख के चलता है। हे इंसान तू हमेशा आकाश को देख कर चल, भगवान के सम्मान पे एक दृष्टि ऊंची होनी चाहिए, लेकिन ऐसे काम मत कर देना जो लोगों के सामने नजर छिप जाए। ऐसे काम मत करना कि सर झुकाना पड़े शर्म के लिए, ये मुझसे क्या हो गया। ऐसा पाप कभी ना हो जाए जीवन में, ऐसा दोष कभी ना हो जाए जीवन में। तो अवैधता किसी से जहर भाव क्यों बांधना, क्यों छोटी छोटी बातों को। मैं कलकत्ता में कह भी रहा था कि जो संसार से बांध के रखते हैं हमें विषय संसार से नहीं बांधते, नहीं खुले मन से कहना चाहता हूं, हमें विषय संसार से नहीं बांधते, हमें कोई बांधता है तो वासना संसार से बांधती है। जो संसार से बांधे वो वासना की रस्सी होती है, जो संसार से बांध के रखती है। और मैं क्षमा चाहूंगा, जो परमात्मा से बांधती है वो उपासना की रस्सी है। अब उपासना की रस्सी बनानी है कि वासना की रस्सी बनानी है, दोनों दोनों आपके हाथ में है। वासना की रस्सी से नहीं बंधना, उपासना की रस्सी से बंधोगे तो तुम भगवान से तुम्हें बांध देगी। और ये गुरु कथा तुम्हें उपासना की रस्सी से इसलिए बांधती है। कन्हैया से पूछा यशोदा ने, कन्हैया हाँ मां बेटा कितनी बार मैंने कहा आपको, मैंने जूते मंगाए हैं, चप्पल पर खड़ाऊ मंगाए हैं, इन्हें पहन के दो चरण जाएगा। नहीं। एक दिन सुबह सुबह माँ मंदिर जा रही थी, यशोदा माँ कन्हैया ने पकड़ लिया, माँ माँ सुनो क्या बात है कन्हैया, माँ एक बात पूछू, तुम मंदिर के अंदर जूते पहन के क्यों नहीं जाती, माँ मंदिर के जूते पहन के जाएगा ना क्यों। यशोदा ने कहा बेटा वो मेरे भगवान का मंदिर है और मैं भगवान के पास जूते पहन के नहीं जा सकती हूँ, वो मंदिर है। कन्हैया ने कहा माँ वो मंदिर तेरा भगवान है, तू जूते पहन के नहीं जाती, और वो मेरा भगवान है इसके साथ जूते पहन के जाता रहूं, नंगे पैर जाता हूँ। गैया तो मेरे भगवान है मैया, कन्हैया कहते हैं गैया तो मेरा भगवान है मैया, गैया मैया को भगवान मानकर इसकी सेवा करता हूँ। कन्हैया भी अगर गैया को भगवान मानते हैं, मेरे राम भी राम राजा की तीनी धानी काना चलाई रनवे बानी, किसने कहा जांबो जी ने कहा। राम राजा जब राम राजा बन जा रहे थे, एक ब्राह्मण रोने लगा, राम तुम रोज गोदान करते हो, आज मेरी बारी थी, आज तुम वनवास चले जाओगे, मुझे गाय कौन देगा। दशरथ ने कहा राम से कह दो ये बूढ़ा ब्राह्मण जो इसके हाथ में डंडा है उसे डंडे को फेंक दे और जितनी दूरी पर वो डंडा जाकर पड़े उतना गोल घेरा खींच दो और जितनी गाय उसमें आ सके, मेरे राम जाने से पहले उतनी गाय ब्राह्मण को दान देकर जाएंगे। राम राजा के भी उतनी गाय राम दान करके बनों की यात्रा क्यों गए थे, मैं गौ माँ की सेवा करके जा रहा हूं तो मेरे 14 वर्षों की यात्रा सफल होगी, मेरे 14 वर्षों कोई पीड़ा और राम के ऊपर जो भी दुख आए, मैं क्योंकि राम काय के लिए आए हैं। राम ने कह दिया विप्रधेर सुर संपीत और लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। मेरे राम आए काय के लिए हैं और
कान्हा चरणी रमणी बनी मेरे गोविंद ने गौ मां को बनो बनो चराया, गौ मां के पीछे पीछे घूमते। एक गाय बड़ी भोली थी, गौ के झुंड से उलझ जाती थी, आकर कन्हैया सरकार कन्हैया मैं भोली हूं, मैं तुझे ढूंढ नहीं पाती हूँ कन्हैया, एक काम कर कन्हैया तू मेरे गले में एक घंटी बांध दे। क्यों? गाय ने कहा कन्हैया मैं तुझे ढूंढ ना पाऊं तो मेरे गले में घंटी बजती रहती है, मैं जाऊं तू वहां थोड़े दूर चले आना मुझे ढूंढ लेना, मैं छोड़ देना कन्हैया। गाय ने घंटी गले में बांधवाई, कन्हैया मैं भूल जाऊं तो भूल जाऊं तू मुझे मत भूल जाना, मेरे गले की घंटी की आवाज सुनकर तू मेरे पास चले आना, चूंकि मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, तू मेरा प्राण है गोविंद। गोविंद कहते गैया तू मेरा प्राण है। मेरे कहने का भाव है सज्जनों, जितने भी अवतार हुए हैं सभी ने गौ मां की सेवा, गौ मां की उपासना, गौ मां की भक्ति की है। हम भी उतनी भक्ति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ गौ सालों में कथा कर करके गौ मां की भक्ति की प्रेरणा दे देकर कुछ गौ मां के लिए जीवन में ऐसा कर जाएंगे, लोग याद करा करेंगे कोई महात्मा कथा करने आता था और गौ मां के लिए हम प्रेरणा देता था। इसलिए इस भाव से मैं केवल अब है मन गैर भाव नहीं मांगना और हाँ क्षमा सीखता, मेरी गौ मां क्षमा का सागर है, करुणा का सागर है। ये क्षमा का सागर क्यों है मैं सच आपको बताऊं, ये छोटी सी बात कहकर मैं जगदीप जी को माइक सौंप रहा हूं। अजमेर में एक बहुत पुराने अधिकारी थे, रेलवे के अधिकारी, और वो रेलवे में अधिकारी थे, दो बच्चे थे, एक बेटी पटना चली गई, बेटा अमेरिका चला गया, और दोनों पति पत्नी रहते थे, लेकिन हमेशा वो गाय पालते थे। आज उन्होंने कहा चौकीदार से, चौकीदार अब हम सेवा निवृत्त हो चुके हैं और बेटी बेटा भी नहीं है, ये जो हमारे गाय है ना इस गाय को कहीं छोड़ आओ। उस चौकीदार ने गाय ली और 3 किलोमीटर घुमा घुमा के गलियों से शहर के बाहर छोड़ देगा, कोई गौशाला वाला पकड़ लेगा, सेवा करेगा। और सज्जनों वो रात को छोड़कर आए, आकर सो गए, जब सूर्य उदय हुआ और दरवाजा खोल के देखा वो गौ माता उनके दरवाजे के बाहर बैठी थी, ये कहकर तू तो मुझे छोड़ सकता है मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं भूखी रहूंगी तो प्यासी रहूंगी तो मैं तेरे घर रहूंगी। अगले दिन उन्होंने उसको 11 किलोमीटर गाड़ी मंगाई, एम्बुलेंस गाड़ी में चढ़ाया, एक शहर के बाहर छोड़कर आएंगे, अब छूटा पीछा अब नहीं आएगी। एक दिन बीता, अगले दिन कहां रात के धक्के खाए होंगे उसने, कितनी गली पार की होंगी शहर में, कितनी सड़कें पार की होंगी उसने। अगले दिन ढूंढती ढूंढती रात को 12 बजे उसके बाहर आके बैठ गई, जब दरवाजा खुला उन्होंने कहा ये गाय तो लौट पाई, उसने कहा मैंने मना किया हमें गाय को नहीं रखना नहीं रखना नहीं रखना। गाय ने कहा तू मुझे मत रख, मैंने कब कहा है तू मुझे रख, ले अब तू मुझे नहीं रखेगा तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। भूखी और प्यासी 3 दिन में गाय ने प्राण त्याग दिए, उसके घर को छोड़ छोड़ के 3 दिन। वो तुमसे इतनी ममता करती है, वो तुमसे इतना स्नेह करती है, कभी देखे आप तो देख रही हो जब आप गौशाला में आते हो तो दूर से झांककर देख लेती है कोई मेरा बेटा बेटी आई है, मेरे गुरु रहे होंगे, मेरे कुछ खाने को लाए होंगे, हरा चारा लाए होंगे तेरे लिए, वो झांक झांक कर वो देखती है। जैसे वृद्ध आश्रम में तुम्हारे कोई बुजुर्ग रहते हो, ये तो धन्यवाद के पात्र लोग अपने इलाके में वृद्ध आश्रम में है ना, तो जब वृद्ध आश्रम में जैसे कोई गेट पर आता है तो वृद्ध सोचते हैं हमारे लिए कुछ लाया होगा, ये गाय भी आपकी ओर निहारती है। जब गौशाला में हो खाली हाथ बताना, मैं भी कथा की ओर बढ़ रहा था तो मुझसे सरपंच साहब ने कहा गुरु जी, प्रधान जी ने कहा गुरु जी एक काम करो रसीद पहले कटाना। मैं कह मेरे पास तो सरपंच साहब ने 500 रुपए दिए उधार, उनसे मैंने पैसे लिए 500 रुपए और एक अच्छी शुरुआत कर कराया, वो तो लुटाऊंगा तो हुई नहीं, लौटाने वाला मैं ना हूं,
मैं तो और मांग सकता हूं उनसे, मेरे कहने का भाव है हित में ही भावना है, पहले के लिए आपका मानिए तो राम फरमाइए। गौ मां के लिए हम करते हैं, हमारे प्रेरणा पाकर दूसरे लोग करते हैं, तो मैं इतना ही कहकर कि गौ मां तुम्हें ममता करती है और कभी अपनी गौ को तुम धक्के मार कर निकाल देना, डंडे मार कर निकाल देना, चल चल निकल यहां से, शाम को भूखी प्यासी तुम्हारे घर आकर बैठ जाएगी, ना बच्चों मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे बच्चों को पाला है, तुम्हारे बेटी बेटों को पाला है, अब मैं वृद्ध हो गई हूँ, मुझे छोड़ते हो, अब छोड़ने भी आओ गौशाला में, कभी घर में पालने की व्यवस्था ना हो तो हमेशा गौशाला में आकर सब लोग गौओं को संभालते रहना। जगदीश जी हमारे चुने हुए आदमी है, जगदीश जी की हमने छवि देखी, गौ माँ की सेवा के लिए आप तत्पर रहते हैं, लेकिन अकेले जगदीश जी की जिम्मेदारी नहीं है, अकेले जगदीश जी कणा कठे नहीं कर सकते, हम सब मिलकर इनके साथ इनका साथ दें, कर्मचारी मिलकर सारे गांव के लोग मिलकर गौ माता के लिए कणक इकट्ठी करें और गौ माँ के लिए हम अच्छी थोड़ी इकट्ठी करें ताकि पूरे साल हमारी गौ माता खुशहाली से रह सके। मैं तो हमसे यही डिमांड करता हूँ, अभी एमपी हुई आज कथा संपन्न हुई है, आज ही हवन हुआ है, मुझे प्रसन्नता हुई वहां पर 26-27 लाख रुपए लोग इकट्ठे करके गौ के लिए दिए, छोटा सा गाँव है लेकिन बहुत अच्छा योगदान लोगों ने किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो भोपाल गांव है, भोपाल गांव तो हमारे समाज का राजा गांव है, यहाँ तो मैं विश्वास करता हूँ हम थोड़ा थोड़ा भी, चूंकि पूरे गांव के लोग देते ही है चंदा गौ माँ के लिए, इसमें कोई शंका नहीं है, तभी इतनी अच्छी गौशाला हमारी चल रही है जो बहुत ही सराहनीय हमारी गौ माता की सेवा हो रही है। कई बार अचानक गौशाला में आता हूँ, अचानक अकेला आता हूँ, कई बार तो रात को 9 बजे आता हूँ और फिर जाकर देखता हूँ मेरी गौ माता कोई दुखी तो नहीं है, फिर जगदीश जी दौड़े दौड़े आते हैं, महाराज जी आ गए, भैया अधिकारी छापा दो, धोखे से मारते हैं, फिर पूरी गौशाला में घूमता हूँ, कहाँ नंदी बैठे हैं, कहाँ गौ माता, लेकिन कई बार आकर खोज की इनकी कमी पकड़ू लेकिन मुझे कमी नहीं मिलती है, चूंकि भाव से गौ माँ की सेवा करते हैं। तो आज इतना ही मैं कहकर गौ माँ के प्रति प्रेरणा देता हुआ सेवा भाव से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जगदीश जी अब हमारे को दानदाताओं की सूची बोलेंगे और जिन महापुरुषों को सम्मानित करना है उनके नाम वो नीचे से बोलेंगे और सम्मानित होने के लिए वो मंच पर पधारेंगे। धन्यवाद। हमारे उपप्रधान जी राजेंद्र जी बाठिया सम्मानित करने के लिए ऊपर जाए और साथ में सोमलाल जी सिहा जिनका मनामन हुआ है, श्री बद्री प्रसाद जी खिंचक प्रधान विष्णु मंदिर लखवी सर से इन्होंने 1500 रुपये का दान दिया है और वो अपनी पूरी कमेटी लेके स्वामी जी से आशीर्वाद लें, प्रसन्नता चिन्ह लें। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो कि राजस्थान से लखवी सर से चलकर आ श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपण में दान दिया है, इनका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। श्री सुशील कुमार जी खींचक जय साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी स्टेज पर पहुंचे और स्वामी जी से आशीर्वाद लें। श्री तुलसीराम जी पूनिया सालमखेड़ा से वो भी स्वामी जी से आशीर्वाद में सम्मानित चिन्ह लें। श्री सोमलाल जी सिहाग जोरदार तालियों से स्वागत, जो कि लखवी सर राजस्थान पीलीभीत के पास है पहुंचे, इनका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत हार्दिक धन्यवाद। श्री तुलसीराम जी पूनिया श्री सुनील कुमार जी कीचड़ जय साहब जो हमारे बिजली बोर्ड में बड़ोपुर के ही है मोदीराम जी कीचड़ के, और 5200 रुपए की बाजी श्री कोजूराम जी जांगो ने 5200 रुपए की बाजी गौ माता के लिए दान दिया के लिए जोरदार तालियां। 1100 रुपए श्री राम जी शहाग सनो श्री बोखराम जी शहाग 100 रुपए सतीश जी पेंटर फतेहबाद से और 50 किलो कणक सुभाष सनो ग्रीसपाल जी थापर बहुत बहुत धन्यवाद इनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे उप प्रधान जी हमारे सोम जी शहाग तुलसीराम जी को
और सोलाल जी श्याग जी को सम्मानित करना है। हमारे कमेटी सदस्य सोनलाल जी श्याग बहुत पुराने कमेटी सदस्य है जो गौशाला से पूरी तन मन धन से सेवा करते हैं। हर रोज ड्यूटी देते हैं, हर रोज दिन में दो तीन बार तालियों के साथ स्वागत प्रणाम। आज का कार्यक्रम संपन्न होता है सब खड़े होकर भगवान के मंगल आरती के लिए और कल कथा के पूजन में हमारे श्रद्धेय तुलसीराम जी भजन सुनाएंगे। कल उनको भी साधारण भजन करो तुलसीराम जी के लिए आरती भगवान के एक आरती महिलाओं के एक आरती पुरुषों को ऐसे करके आगे जय जय जीशु जी। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे अंत जनों के संकट जी लोगों को इन सात दिनों में गुरु माँ का पूजन कराना होगा वो कृपया आकर बता दें तो उनका सुबह सात साढ़े सात से साढ़े आठ तक गौ माँ का पूजन मिल जाएगा। आप भाव से आगे बढ़े
ओम धयो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रामः शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सा शांति रे देव ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ आज भिन्न मानस कथा को विश्राम देते हैं। सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और बाहर नमक के लिए जलपान की व्यवस्था है और प्रसाद आपको मुख्य द्वार पर मिलेगा। विगत वर्षों के बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी।